टू एस्पायर स्टडी कानपुर, मैं शिवम गुप्ता। यहाँ पर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो आपके जामिया के लिए बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग जामिया के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो हमारे पास जो इस समय पेपर है वो आपका 2017 का है, तो इसके हम लोग सोल्यूशन देखेंगे किस तरीके से आपको सोल्यूशन करने, किस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने। ओके, और हमने आपको जामिया के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। एक वहां पर हमने आंसर नहीं आपको दिया है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, तो आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पर जो हमने बताया है तो आप पूरा वीडियो वो देख लीजिए, आपको जो भी डाउट्स होंगे जामिया से रिलेटेड आपके दूर हो जाएंगे। और आपका जो एग्जाम है वो 5 जून को है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज आपकी 3 तारीख हो रही है और आपके पास केवल और केवल मंडे का दिन है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और आपके आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो आपका जो हमने पेपर लिया हुआ है, ये आपका पेपर कौन से ईयर का है, जामिया 2017। ओके, आपका पेपर जो है वो हमारा है जामिया 2017 का। तो अगर हम लोग इसके सेट सी हमारे पास है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया है वो इन्होंने क्वेश्चन ये लिया है कि इफ y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 + x / 1 - x देन dy/dx की वैल्यू आपसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 2/1 + x², दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 2/1 + 2x², तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 1 - x² / 1 + x² और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 1/1 + x². इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो आपको ये क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स और वन को लिख सकते हैं हम लोग 10π/4 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आप क्या करें 10θ मान लें। ठीक है, ये मानने की वजह ये इसलिए है क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले को टेन का ही बनाना चाहते हैं। ओके, तो 10π/4 और x को हमने 10θ माना है, तो ये हमने लिख लिया 10θ/1 माइनस यहाँ पर हम लोग क्या करें इसको लिख सकते हैं 1 × x। बात समझ में आ गई, क्या लिख सकते हैं 1 × x, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10π/4 और x को हम लोग लिख सकते हैं 10θ। ओके, तो ये आपका आ जाएगा y = tan inverse। अब आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan a + tan b / 1 - tan a tan b। ठीक है, तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे tan a + b मतलब 10π/4 + θ। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखेंगे tan और tan इनवर्स हट जाएगा तो ये आ जाएगा π/4 + θ। तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू आप रखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया x इज इक्वल टू 10θ लेट किया है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी tan इनवर्स x, कहाँ से, यहाँ से। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx जब इसका आप डिफरेंसिएशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 + 1/1 + x². तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1/1 + x². ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका y = log tan x देन आपसे कहा जाता है dy/dx की वैल्यू बताएं। ओके, किसकी वैल्यू बतानी है, dy/dx की, और ए ऑप्शन आपको दिया गया है 2 cos 2x, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 2 sec 2x, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 2 sin 2x और यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपको दिया जाता है वो दिया गया है 2 cos 2x। ओके, 2 cos 2x, तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सिंपल सा कैसे कर सकते हैं, इसको मान ले टी, तो लॉग टी का कितना हो जाएगा 1/tan 1/t और टी को हम लोग फिर से करते हैं, जिसको टी मानते हैं इसका मतलब इसका फिर से करेंगे टेन एक्स का, तो ये हो जाएगा sec² x dx। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमने dy/dx फाइंड कर लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा dy/dx = इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखेंगे 1/tan x को हम लोग लिखेंगे sin x / cos x * sec² x को क्या लिखेंगे 1/cos² x, तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 अपान
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दो से आप मल्टीप्लाई कर दें और दो से आप डिवाइड कर दें तो ये आपका कितना आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन साइन टू एक्स। ओके, तो अब जब इसको और सॉल्व करेंगे आप तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉसेक टू एक्स। बात समझ में आ गई, तो आपका आंसर जो आया टू कॉसेक टू एक्स। तो यहां पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री है, उसमें आपसे क्या कहा जाता है, कहा गया है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और आगे पूछा गया है आपसे डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू पूछी जाती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन आपको दिया गया है वन, सी ऑप्शन दिया गया है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन दिया गया हो सकता है आपको आता हो, लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है इसमें कि पहले तो हम लोग क्या करें, एक्स इज इक्वल टू आप कॉस थीटा लेट कर लें, तो ये क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, एंड जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा, ये आ जाएगा थीटा, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये इनवर्स। ठीक है, तो यहां से आ गया वाई इज इक्वल टू थीटा, एंड यहां से क्या आ जाएगा जेड इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दें, थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स एंड जेड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करें तो आपको पता है ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही अगर हम लोग डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है सिंपल सा काम क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स और अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, क्यों हो जाएगी क्योंकि ये और ये डिवाइड होंगे तो दोनों ये सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर आपका आ जाएगा वन। ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे कहा गया इफ y इज इक्वल टू e की पावर टू एक्स, तो आपसे वैल्यू पूछी जाती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इंटू डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू की। ठीक है, तो हम लोग पहले ये पार्ट फाइंड करते हैं फिर ये पार्ट फाइंड करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत ही सरल सा पेपर आता है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं, और 65-70 क्वेश्चन अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप आसानी से कॉलेज मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर पहले डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको पता है कि ई की पावर टू एक्स का ई की पावर टू एक्स हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2। बात समझ में आई, लेकिन d2y टू वाई अपॉन डी एक्स टू है मतलब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा d2y टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4e की पावर 2x। बात आप समझ गए होंगे, e की पावर 2x का e की पावर 2x हुआ, 2x का हुआ 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ओके, तो ये तो बात हुई इसकी, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसकी फाइंड करने की डी टू एक्स अपान डी वाई टू, तो यहाँ पर देखेंगे डी एक्स अपान डी वाई है, क्या है डी एक्स अपान डी वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो अगर हम लोग इसको डी एक्स अपान डी वाई लिखते हैं, ओके ये आप इक्वेशन वन मान ले थोड़ी देर के लिए, तो डी एक्स अपान डी वाई लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं वन अपान टू ई की पावर टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं आप dx अपान डी वाई इज इक्वल टू वन अपान टू ई की पावर माइनस टू एक्स। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें क्या करना है एक और फाइंड करना है y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या करें कि इसका हम लोग एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, किसका dx अपान dy का। तो हमने लिखा d अपान
dy और ये लिखा हमने 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस 2x। ये आप समझ गए होंगे, अभी हमने किया कुछ नहीं है, सिंपल सा इसका d अपॉन dy और इसका भी हमने d अपॉन dy कर दिया। ओके, जब आपका इतना काम हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dy2 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें, अब ये जो है हमारा फंक्शन है x में और हमें डिफरेंशिएशन करना है y में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x में ही करेंगे। तो x में आप कैसे करेंगे, हम लोग क्या करें कि dy की जगह पर dx लिखते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस 2x इंटू, अब देखें आप dy, बात समझ गए होंगे आप, क्यों समझ गए, क्योंकि हमने ये क्या किया, dy की जगह पर dx लिखा है, तो dx से डिवाइड किया तो dx से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये आ गया हमारा dy। ओके, अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो d2x अपॉन dy2 की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, अगर देखें तो ये तो हो गया 1 अपॉन 2, अब e की पावर माइनस 2x का करेंगे तो आपको पता है कि आएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, और dx अपॉन dy की वैल्यू पता है हमें कहां है, ये है, ठीक है। तो क्या है, 1 अपॉन 2 e की पावर 2x, बात समझ में आ गई। तो यहां से आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d2x अपॉन dy2 की वैल्यू हो जाएगी, अगर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये बच गया तो माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर 4x, ठीक है। ये कहां से आया आप सोच रहे होंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ e की पावर माइनस 2x, बात समझ में आ गई। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, पूछा गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसका और इसका इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 e की पावर 2x इंटू माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर 4x, तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया। मेन बात आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखनी है कि ये क्या हमने फाइंड किया, पहले तो हमने d2y / dx2 फाइंड किया, ये तो सरल है, लेकिन फाइंड करना कठिन काम क्या है ये, तो इसको आप अच्छे से समझ लें, ओके।